वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 10 ईयर सीरीज। तो ये 10 ईयर सीरीज है, इसमें हम चैप्टर वाइज सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाई के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और बच्चों को काफी डिमांड होती है इसकी, बच्चे काफी डिमांड करते हैं कि सर पीवाई के क्वेश्चंस कराइए। तो आज हम सभी पीवाई के क्वेश्चंस देखेंगे, अप टू 15 ईयर्स देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर हमने 10 ईयर डाला है टाइटल में, लेकिन 15 ईयर्स तक हम आपको सभी क्वेश्चंस कराएंगे जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, जो आएंगे नहीं देखो, जो भी आउट ऑफ सिलेबस होगा उसको हम यहाँ पर आपको क्लियरली बता देंगे कि भी ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको नहीं करना है। लेकिन जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जिस लेवल के आते हैं हमारे, जिस टाइप के आते हैं, वो सभी डिस्कस करेंगे। तो इसको ध्यान से करना, ये जो सीरीज हम कर रहे हैं, ये सभी आपके जो एग्जाम होने वाले हैं मिड टर्म्स या फिर हाफ ईयरली, मिड टर्म हाफ ईयरली के होते हैं, या फिर हमारे जो भी प्री बोर्ड पेपर होने वाले हैं, और बोर्ड में तो ये आपको हेल्प करेंगे ही। ओके, इसको देखिए आप सीरीज, अगर आप इस सीरीज को देख लेते हो 10 ईयर सीरीज को, इसमें हम सभी चैप्टर्स देखते हैं, सभी चैप्टर वाइज देखेंगे सभी पीवाई के क्वेश्चंस। तो अगर आप इस सीरीज को कर लेते हो तो ये आपके लिए, आपके बोर्ड के लिए इनफ रहेगा। फिर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी सैंपल पेपर कर सकते हो। लेकिन देखो, अगर आप सैंपल पेपर नहीं भी लेते हो, ये क्वेश्चंस फोकस कर लेते हो आप, और अपने टाइम को मैनेज कर लेते हो, अपने टाइम स्पीड बढ़ा लेते हो, ठीक है, अगर आप अपने टाइमिंग अच्छे कर लेते हो, तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे इजिली। तो यहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी पीवाई के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जैसे हमारे पास है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इसका, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। और इसको ध्यान से देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में। और ये गुड्स सर्विसेज टैक्स 2017 में ऐड हुआ था हमारा, तो न्यू बुक में 2018 के बाद ही आपको देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए इसके क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है पीवाईक्यू में। जैसे इसमें 2023 में हमारा क्वेश्चन आया है, 2023 का क्वेश्चन है, तो इसमें देखो कह रहा है प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस, प्रिंटेड प्राइस, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एक ही होता है, द रेट ऑफ जीएसटी इज 10%, रेट ऑफ जीएसटी 10% है। देखो अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो इसी पर ही हम क्या करते हैं, सभी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसी पर ही हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, देन द जीएसटी चार्ज। तो कितना जीएसटी चार्ज किया गया आपको, 10% निकालना है, सिंपल परसेंटेज अकेला ये हमने बताया आपको फुल चैप्टर में, तो 308 इसका आंसर है, सिंपल सा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें ये आया था हमारा 2023 में ही क्वेश्चन है एक और हमारा, देखो इसमें कह रहा है कि मिस्टर अरोरा, क्योंकि हमारा एक इसमें एमसीक्यू बन जाता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ऐसे कह रहा है कि मिस्टर अरोरा बोर्ड द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर। ऐसा ही हमारा 2024 जो रिसेंटली पेपर हमने कराया, तो 2024 2023 के पेपर का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें हमने इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू मतलब पेपर जो कराए हुए हमने 2024 2023 एंड अदर हमने स्पीचमैन पेपर और प्री बोर्ड पेपर भी सोल्व कराए हुए हैं बच्चों के काफी स्कूलों के डिफरेंट डिफरेंट, तो वो भी आपको काफी हेल्प करेंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हो टेलीग्राम में, सभी सभी जो हमारे पीडीएफ है वहां पर ही आपको अवेलेबल है, विद लिंक मिलेंगे आपको वीडियो सॉल्यूशन के। ओके, वहां से आप सभी इसको क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं हम सेकेंड वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें आपको क्या बताना, आइटम है आपके पास, प्राइजेस है, रेट ऑफ जीएसटी एंड डिस्काउंट भी गिवन क्या है। देखो हेयर ऑयल 1200 है, रेट ऑफ जीएसटी 18% है, एंड यहाँ पर कह रहा है 100 रुपीज पर डिस्काउंट भी है, मीन्स अगर वो 1200 का तो आपको कितने का मिलेगा, 1100, 600 है 12% जीएसटी और 12% इस पर डिस्काउंट भी है, तो आप इसमें से 12% माइनस करना, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करना, हमें बताना क्या है, एक तो टोटल जीएसटी पेड की, इसने टोटल जीएसटी कितना पेड किया, तो हम टोटल जीएसटी पेड निकालने के लिए पहले डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू किसको बोलते हैं, वैल्यू आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। यहाँ पर 12% अगर आप फाइंड करोगे इसका, तो 12% 600 कितना आ रहा है, 12 6 कितना होते हैं, 72 होते हैं, और 600 में से 72 माइनस करोगे आप कितना मिलेगा आपको, तो ये मिल जाएगा आपका 5, और अगर ये 70 होता तो 30 होता, अभी वो मिलेगा आपको 28 528। अब ये होगा हमारा 528, और आपको टोटल जीएसटी बताना, तो इस पर आप 18% कैलकुलेट कर लो, इस पर 12% कैलकुलेट कर लो। अगर हम इस पर 18% कैलकुलेट करेंगे 1100 पर, तो 1100 का कितना, 18%, तो जीएसटी हम कह सकते हैं जीएसटी ऑन हेयर ऑयल, हेयर ऑयल पे कितना है हमारा, हेयर ऑयल पर हमारा कितना होगा 18%, 18% करोगे आप कितना होगा इसका, 18% अगर हम करेंगे इसमें, तो यहाँ पर कितना होगा 18%, 18% हो जाएगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल, 11 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198, तो यहाँ पर होगा हमारा 198 क्या होगा इसका, जीएसटी हेयर ऑयल पर। और अब हम क्या करेंगे, जीएसटी ऑन किस पर, जीएसटी ऑन कैश्यू नट, तो कैश्यू नट पर अगर हम फाइंड करें तो 528 डिस्काउंटेड वैल्यू आ रही है इसकी। और अब हम इसमें क्या करेंगे, 12% फाइंड करेंगे, 12% फाइंड करेंगे डिवाइड बाय 100। अब आप कैसे करोगे इसको कैलकुलेट, देखो सबसे बेस्ट ये है कि आप क्या कर लो, आप इन दोनों को क्या करो,
मल्टीप्लाई करो 100 से, क्या कर देना डिवाइड। सबसे इजी यही है हमारा, 28 जा 16 आ रहा है, लेकिन इसमें देखो कितना आ रहा है, 270 आ रहा है, तो 270 में राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू कैंसिल तो नहीं मिल रही है हमें। देखो अगर हम कैंसिल करें, 2 से कैंसिल करें या 4 से कैंसिल करें, 4 3 जा 4 से कैंसिल करें, कितना आ रहा है 25। तो ये तो पॉइंट में वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 270, यहाँ पर कितनी आ रही है वैल्यू 270, यहाँ पर तो 198 आ गया हमारा। लेकिन अगर हम इस पर 12% माइनस कर रहे थे, ठीक है 12% माइनस कर रहे थे, देखो कुछ इसमें कुछ एरर वगैरह तो नहीं है, 10 में से 2 8 मिलेगा आपको, करेक्ट है बिल्कुल, 9 में से 2 2, और यहाँ पर ये 528 ही मिल रहा है। 528 का अगर हम क्या करें, 12% ही जीएसटी फाइन करें, क्योंकि हमें टोटल जीएसटी पेड बताना है, अगर तो टोटल जीएसटी पेड के लिए 12% अगर फाइन करेंगे तो वैल्यू पॉइंट में मिलेगी, तो अगर पॉइंट में मिलेगी वैल्यू फिर तो आंसर ही पॉइंट में आएगा, फिर इसने 270 ऐसे क्यों ही बन किया है। यहाँ पर 528 का अगर हम क्या कर लेते हैं, 12% फाइन करते हैं इस पर, तो ये 12% फाइन करते हैं तो ये कितना मिलता है हमें, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 12 से, 528 की 12 से कर रहे हो तो 6336 आ रहा है, और 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 63.36, और 198 में 63.36 अगर ऐड करोगे तो 63. यहाँ पर 11 1, और ये 10 6 16 1, और ये आ गया 261.36 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 270 की बन किया है, तो भाई इसमें कुछ ना कुछ एरर है यहाँ पर, यहाँ तो डिस्काउंट वगैरह में कुछ एरर है, क्योंकि 12% अगर हम डिस्काउंट फाइंड कर रहे हैं 600 का, तो क्या मिल रहा है हमें, यही मिल रहा है 72 मिल रहा है, और 600 में से 72 माइनस कर रहे हैं तो यही मिलेगा आपको। ओके तो अगर हम क्या कर रहे हैं, 600 में से माइनस कर रहे हैं कितना, 600 में से माइनस कर रहे हैं कितना 72, तो हमें 528 ही मिल रहा है। 528 का 12% अगर हम फाइंड करें, जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी 12% अगर, तो यही वैल्यू मिलेगी आपको। तो इसलिए इसमें मिस्टेक है कुछ, 28 12% करेक्ट है, फिर तो इसका आंसर ये आएगा 261. दिस ये आ रही है इसकी वैल्यू, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 12% गिवन नहीं किया है, जो आप ये पर गिवन किया ना, यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, और अगर इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो आपको 600 पर ही 12% फाइंड करना, और 72 क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट जीएसटी होगा। ओके तो डायरेक्ट जीएसटी कितना होगा इस पर, 600 पर ही हम क्या करेंगे 12% जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन किया, इसमें एरर है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे बोल रहा है कि इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो इसका जो क्या होगा जीएसटी होगा 72 होगा। अब इसका जीएसटी 72 होगा, देन आप इन दोनों को ऐड कर लो, तो टोटल जीएसटी पेड आ जाएगी हमारे पास कितनी, 198 एंड 72, तो ये आ रहा है 270। ओके टोटल जीएसटी पेड हमारा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, तो 198 प्लस 72 ये कितना हो जाएगा हमारा 270, सिंपल 270 हो गया हमारा। तो ये इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको टोटल जीएसटी पेड फाइंड कर सकते हो, लेकिन अच्छे से तमीज में करना, ऐसे मत करना जैसे हम कर रहे हैं, आप अच्छे से लिखना कि जीएसटी ऑन हेयर ऑयल, जीएसटी ऑन, और ये डिस्काउंटेड वैल्यू आप मैंसन करके बताना है इसको। ओके एंड यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, टोटल बिल अमाउंट अगर हम फाइंड करें इसका, सेकंड वाला पार्ट फाइंड करें, देखो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर ये हो गया टोटल जीएसटी पे, तो यहाँ पर टोटल बिल अमाउंट अगर हम फाइंड करें तो कितना होगा, टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक तो 1100 आफ्टर डिस्काउंट करके 1100 हुई थी वैल्यू, 1200 में 100 माइनस किया हमने, और ये वैल्यू ओरिजिनल 600 है क्योंकि इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, 1700, और 1700 में आप ऐड करोगे 270 जीएसटी, तो देन कितना आएगा 1970। ओके 1970 रुपीज क्या होगा इसका, टोटल जीएसटी बिल अमाउंट होगा, ये रहा हमारा। ओके तो ये है इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा 2023 में ये था। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000, मार्क प्राइस 5000 है, शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% है, देन द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी। तो सिंपल है, देखो 5000 अगर अमाउंट है और उस पर कितना मिल रहा है हमें 10% डिस्काउंट, अगर इसका 10% फाइंड करें हम कितना मिलेगा, इस पर मिलेगा आपको 500 का डिस्काउंट, देन आपको डिस्काउंटेड वैल्यू क्या मिलेगी, डिस्काउंटेड या फिर सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं इसको। ओके डिस्काउंटेड वैल्यू या फिर सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको मार्क प्राइस कह सकते हैं 5000 को। ओके हम कह सकते हैं कि मार्क प्राइस कितना था, 5000 था, इस पर हमने सेलिंग प्राइस निकाल लो कितना आ रहा है
500 में माइनस कर देंगे इसका डिस्काउंट, तो कितना मिलेगा 4500। एंड देन आपको कितना देना, 12% जीएसटी देना है, तो जीएसटी इंक्लूड करके से कितना अमाउंट देना पड़ेगा, जीएसटी कितना होगा इस पर, जीएसटी चार्ज या फिर अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी ये कितना होगा 45 पर कितना 12%, 12% निकालोगे आप, कैंसिल करो इसको, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12 फोर से कितने होते हैं 480, तो ये हो गया हमारा। एंड 12 5 से कितने होते हैं 60, ये हो गया हमारा 540, तो 540 हमारा क्या हो गया है, जीएसटी पेड हो गया। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा सिंपल हमारा कितना, ये हमारे पास 4500 सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर ही हम क्या करते हैं जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 5040 रुपीज़। ओके, तो 540 आ गया हमारा सिंपल, यही तो है हमारा इसमें ऑप्शन में, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एमसीक्यू में इसमें, और एक एमसीक्यू मतलब मिनिमम एक एमसीक्यू आता ही है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट से। जैसे इसमें कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी इज ₹1800, तो जीएसटी एक्सक्लूड है इसमें, मतलब इंक्लूड नहीं है, विदाउट जीएसटी वैल्यू है ₹800। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% देन टोटल प्राइस, 12% इसमें ऐड कर दो, अगर हम इसका 12% फाइंड करें कितना आएगा, 12 8 या कितने होते हैं 96 होते हैं। ओके, 96 ऐड कर दो आप 800 में, तो कितना जाएगा, सी ऑप्शन होगा, कितना सिंपल है देखो। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन थी, परसेंटेज शेयर ऑफ एस जी एस टी ऑफ द टोटल जी एस टी फॉर अ इंट्रा स्टेट सेल ऑफ एन आर्टिकल इज, तो बताओ यहाँ पर एस जी एस टी बताना, परसेंटेज शेयर ऑफ एस जी एस टी ऑफ टोटल जी एस टी ऑफ एन इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मीन्स क्या, विद इन द सेम स्टेट, तो क्या हो जाता है 50% होगा, हाफ हाफ परसेंट हो जाता है, 100% है उसका 50%, सिंपल डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट पर है क्वेश्चन। फिर आ जाता है हमारे पास ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सभी देखो पीवाईक्यू से हैं, ये 2021 सेमेस्टर में आया है, और ये 2021 सेमेस्टर का ही क्वेश्चन है, एक और हमारा 2022 सेमेस्टर वन, ठीक है, तो ये सभी एमसीक्यू क्वेश्चन ही हमारे। ये सिक्स क्वेश्चन भी सेमेस्टर वन में से है हमारा, देखो इसमें कह रहा है कि आर्टिकल द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए एंड बी, ये हमारे पास मार्क प्राइस है एंड यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी है, लेकिन यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो कह रहा है कि टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द अबव बिल, टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा अबव बिल के लिए ये बताना है। तो सिंपल देखो आप 300 का 12% कैलकुलेट कर लो आप, और इसमें ऐड कर दो, विद 300 का अगर हम 12% कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 12%, ये आ गया हमारा 36, तो आप 36 और ऐड कर दोगे जीएसटी, इसमें भी 1200 में आप कितना करोगे 5% करोगे, तो 5% करोगे तो कितना होगा 60 और, तो जीएसटी नॉर्मल जीएसटी देख रहे हैं तो 96 है, टोटल ये बिल देख रहे हैं तो 1500 है, 1500 प्लस 96 कितना हो जाएगा 1596, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिंपल, छोटे छोटे से बेकार से क्वेश्चन। सेवन देखो, ये आया हमारा 2022 में, 20 में सॉरी, ये कह रहा है कि मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बायज द फॉलोइंग आर्टिकल्स, मेडिसिन कॉस्टिंग ₹950, जीएसटी 5%, ए पेयर ऑफ शूज कॉस्टिंग ₹3000, 18%, लैपटॉप बैग कॉस्टिंग 1000 विद अ डिस्काउंट ऑफ 30%। अभी कराया है हमने जीएसटी वाले चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल जीएसटी पेड एंड द टोटल बिल अमाउंट, ये भी क्वेश्चन कराया, आप इसे देख सकते हो हमारे जो जीएसटी चैप्टर में अभी हमने कराया है, तो जीएसटी रिसेंट में हमने इसका रिविजन कराया, उसी में ही पीवाई के क्वेश्चन में कराया आपको। तो सिंपल क्या करना, अभी मेडिसिन कॉस्ट ये है हमारे पास 5%, इस पर जीएसटी निकालो, आपको क्या बताना है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो पहले आप जीएसटी बता दो इस पर। ओके, 3000 का 18% ये निकाल दो, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, आपको ये सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी पीडीएफ से रिलेटेड, तो वहाँ पर पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी विदाउट एनी कॉस्ट, तो ये हम बिल्कुल फ्री अवेलेबल होंगे आपके लिए। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ द जीएसटी, ये सिंपल बताना है, एंड टोटल अमाउंट ऑफ द बिल बताना है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेट करना है ऐसे। यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2024 का है, आप 2024 का पेपर देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हमने कराया हुआ है, 2023 के पेपर का सॉल्यूशन कराया हुआ है, सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पर कह रहा है कि फॉर इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द सेम स्टेट, जिसमें जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड हो जाता है, सीजीएसटी पेड बाय अ डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 120, सीजीएसटी 120 पे गया
इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000, अगर 2000 मार्केट प्राइस है द रेट ऑफ जीएसटी। तो देखो अगर हम देखें कि इस पर हम लेट कर लेते हैं, या तो आप इसे ऐसे कर लो कि भी 2000 का एक्स परसेंट सीजीएसटी, अगर हम एक्स परसेंट ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 120 होगी। अगर हम एक्स परसेंट ले लेते हैं सीजीएसटी और उसी का डबल कर देंगे, अगर हमें जीएसटी का रेट चाहिए, एक्स परसेंट जीएसटी लेते हैं अगर हम, तो हम क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वही हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर 2 से कैंसिल और ये 120 डिवाइड बाय 20, ये जो वैल्यू होगी ये किसके रेट होगा, ये जो रेट होगा ये होगा सीजीएसटी का, तो इसी का डबल हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंपल हमारा क्या हो गया जीएसटी होगा, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलकर ही जीएसटी बनाते हैं, तो सिंपल ये हो गया क्वेश्चन। एंड यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें कह रहा है कि 500 रुपीज पर केजी हमारे पास क्या है लड्डू है, उसमें टू क्वांटिटीज हैं, तो टू क्वांटिटीज तो टोटल कितने के हो गए 1000 के हो गए, और 1000 पर 5% क्या देना है जीएसटी देना है, तो जीएसटी अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा ओनली 50 रुपीज जीएसटी देना है 1000 पर, और यहाँ पर 100 रुपीज पर केजी आपका प्राइस है किसका पेस्ट्री, पेस्ट्री का 100 रुपीज पर केजी, 12 पीस, पीस होगा ना पर पीस, तो 12 पीस कितने के हो जाएंगे, 12 पीस हो जाएंगे 1200 को 1200 पर आपको 18% जीएसटी कैलकुलेट करना है, देन आपका कितना होगा ये कैलकुलेट करोगे आप इसे कितना आ रहा है 180 एंड 216 होगा, क्योंकि 180 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 एंड 18 को कितना मिलेगा 20, 12 96, ये आ रहा 216 ये वाला हमारा क्या आ रहा है जीएसटी आ रहा है। अब टोटल जीएसटी पेड अगर हम फाइंड करें तो 50 प्लस 216 ये इसका आंसर हो जाएगा 2646 टोटल जीएसटी पेड। ओके और ये क्वेश्चन अभी हमने कराया है, हमने जो जीएसटी चैप्टर कराया उसी के ही क्वेश्चन में हमने कराया, टोटल जीएसटी पेड कितना हो जाएगा भाई, ये जो हमारा टोटल प्राइस आ रहा था इसका 1000, क्योंकि हम टू क्वांटिटीज ले रहे थे 500 रुपीज पर के जी, 2 kg ले रहे तो 1000 का प्लस इसमें ऐड कर दो आप कितना ये 1200 रुपीज पेस्ट्री का, 100 रुपीज पर पीस है हमारी 12 पीस 1200 के होंगे, और इसमें आप कर दो जीएसटी ऐड कर दो 266 रुपीज, बस ये हो जाएगा हमारा सिंपल टोटल अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा 66 यहाँ पर 482, तो इसका टोटल अमाउंट ऑफ बिल होगा सिंपली। तो ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है हमारा 10th नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग, जो भी हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो है ये। ओके वैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 है, आप अगर 2024 का क्वेश्चन देखोगे, देखो इस टाइप की सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो टफ वाले क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो आप देखोगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी 1A उसी के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली, सेकंड वाली एक्सरसाइज की भी होलसेलर से रिटेलर ने कंज्यूमर से, इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं आते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जीएसटी में। ये सभी PYQ हो गए हमारे जीएसटी से, आप इन सभी को करिए, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा, वहां से चेक कर लीजिए, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, ये जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए PYQ में, क्योंकि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सीख गए तो समझ लेना कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम के क्वेश्चन सीख गए, क्यों एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इसी मेंटेलिटी को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, क्वेश्चन ना ही ज्यादा टफ हो ना ही ज्यादा ईजी हो, मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन आते हैं। ओके तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन करने के लायक है तो आप समझ लेना कि भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो बस करिए इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइए, और आप सजेशन दीजिए अपने और क्या करना चाहिए हमें, जिससे कि हम आपकी और भी अच्छे से हेल्प कर सकें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।